भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों के सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले के दोनों मैचों में जीत हासिल कर सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। आज के मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। तो आपको बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजन जी, भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। हालांकि टीम इंडिया दोनों मैचों को जीत कर सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। यह और भारत आज उसे बढ़ाकर 3-0 करना चाहेगी, यही भारतीय टीम की मंशा होगी। और इंदौर में ये मैच है होलकर स्टेडियम में, और इस पिच के लिए कहा जाता है अनुष्का कि ये जो पिच है वो बल्लेबाजों के मुफीद होती है, बल्लेबाजों को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरह से ये चीजें घटित होंगी यहाँ पर, तो थोड़ा सा बाउंस यहाँ की पिच पर होता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन एक बात और भी है कि बैटर्स ने यहाँ पर जो है काफी जश्न मनाया है और कई बार मनाया है। भारतीय टीम का इंदौर में जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन रहा है। 5 मैचेस भारतीय टीम ने इंदौर में खेले हैं और 5 में जीत हासिल की है, और एक बार तो 400 से ज्यादा रन भी बनाया है इंदौर में। तो इससे अनुमान लगता है कि एक बार फिर से बैटर्स के लिए आप कह सकती हैं कि जश्न मनाने का वक्त आया है। लेकिन उसके लिए खुद को अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर विकेट पर थोड़ी जो है कई बार उछाल होती है, तो तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। जहां तक टीम की बात है, भारतीय टीम ऑलरेडी सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है और उसे आज 3-0 करना चाहेगी। और ये जीत ऐसे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, चलिए न्यूजीलैंड को हमने पराजित कर दिया, लेकिन न्यूजीलैंड जब यहाँ पर आई थी तो वो विश्व की नंबर 1 वनडे टीम थी। अब लेकिन देखिए, इस सीरीज ने यह काम किया है कि न्यूजीलैंड की टीम सीरीज गवाते ही अब जो है नंबर 1 टीम नहीं रही है, तो अब भारतीय टीम चाहती है कि वो नंबर 1 बन जाए। और अगर भारतीय टीम को नंबर 1 बनना है तो उसे आज के मैच में न्यूजीलैंड को हर हाल में पराजित करना होगा। तो भारत के पास ये अवसर है, भारत के पास ये लगातार दूसरे क्लीन स्वीप का भी अवसर है और नंबर 1 ओडीआई टीम बनने का भी भारतीय टीम के पास मौका है। तो ये दो बड़े लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय टीम इंदौर में उतरेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। डेड रबर होने के बावजूद इस मैच की रोचकता बनी रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी सम्मान बचाने के लिए उतरेगी। विलियमसन की कमी उन्हें बहुत खल रही है, तो बिना विलियमसन वो कोई जीत हासिल करे इस इरादे से न्यूजीलैंड की टीम उतरेगी। ये ठीक है कि भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, लेकिन पहले मैच में रोचक मुकाबला हुआ था, भारत को सिर्फ 12 रनों से हैदराबाद में जीत मिली थी और ब्रेसवेल ने वहां पर कमाल की बल्लेबाजी की थी, सेंटनर भी की थी। हालांकि रायपुर में मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हो गया और न्यूजीलैंड के बैटर्स ने इंडियन पेस बैटरी के सामने घुटने टेक दिए थे। तो अब न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना है। और भारतीय टीम के सामने भी कुछ चीजें हैं अनुष्का, कि देखिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रोहित को एक 3-फिगर मार्क के इंतजार है कि वो शतक लगाए। विराट इस सीरीज में अब तक फ्लॉप रहे हैं, वह कोई करिश्मा नहीं कर सके, और उसके लिए न्यूजीलैंड ने रणनीति ये अपनाई है कि उन्हें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर से घेरने का प्रयास किया है, जिसमें वो कामयाब रही है। सूर्या और ईशान के लिए ये बड़ा मैच है, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना होगा कि हाँ, वो वनडे की प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। तो आगे अपने दावे को मजबूत करने के लिए दोनों को जो है आपको आज अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है, तो इंडियन पेस बैटरी अच्छी गेंदबाजी कर रही है,
लेकिन आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उमरान को फिर से मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि उमरान मलिक बेंच पर बैठे हैं बाहर और उमरान कमाल के गेंदबाज हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि उमरान आज प्लेइंग 11 में आपको दिखे। कुलदीप लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी वो नंबर वन स्पिनर वनडे फॉर्मेट में भारत के बन गए हैं, और चहल को इसलिए बाहर बैठना पड़ रहा है, प्रतीक्षा होगी कि शायद उन्हें, चूंकि अब ये रबर का फैसला हो चुका है, डेड रबर हो चुका है, अब ये ऑलरेडी भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है, तो शायद उन्हें भी अवसर मिले। तो देखना है कि क्या ये कुछ चेंजेस भारतीय टीम करती है या विश्व की नंबर वन टीम बनने के उद्देश्य के साथ जो है कि हर हाल में जीत चाहिए, इस इरादे के साथ इंदौर में उतरती है। रजत पाटीदार को लगता है कि शायद अभी इंतजार करना होगा, उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, इसकी संभावना मुझे अभी कम दिख रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि न्यूजीलैंड की टीम, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि वो कम्पीट करने वाली टीम है, आपको टक्कर देने वाली टीम है, ये बात सही है कि विलियमसन के बिना वो टीम बैटिंग में थोड़ी सी बिखरी हुई नजर आ रही है। टीम को जो एक संतुलन चाहिए था, और जो टीम विलियमसन के इर्द गिर्द खेलते थी, तो वो विलियमसन के रोल में कौन सा बैटर सामने निकल कर आता है, कौन सा खिलाड़ी सामने निकल कर आता है, इसकी तलाश न्यूजीलैंड की टीम को भी होगी। लेकिन ये बात तय है कि दोनों ही टीमें सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए ही खेलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।